अब गोबर से बनाया जा रहा है ईंट। जी हाँ, आपने सही सुना। अंजोरा स्थित दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के पंचगव्य रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों द्वारा अब गोबर और चूने को मिलाकर घर बनाने के लिए ईंट बनाया जा रहा है, जो कि सामान्य लाल व फ्लाई ऐश ईंट से 4 गुना मजबूत होगा और इसके साथ ही कमरे के भीतर का तापमान भी नियंत्रित रहेगा। वहीं ये वर्षारोधी भी है। देसी गाय, जिसे अब गांवों में किसान कम दूध व रख रखाव में अधिक खर्चीला मानकर पालना नहीं चाहते, या तो उसे पालना छोड़ रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, और जिससे देसी गायों का अस्तित्व खतरे में है और ये विलुप्त होने की कगार पर हैं, हमारे इस धरोहर को बचाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा गरवा घुरवा बारी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए कामधेनु विश्वविद्यालय के पंचगव्य रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने गोबर से ईंट बनाया है। इसके दबाव सहने की क्षमता मिट्टी से बनी लाल ईंट और फ्लाई ऐश से बनी काली ईंट की तुलना में 4 गुना अधिक है। इससे कमरे के भीतर का तापमान भी 24 डिग्री सेल्सियस पर नियंत्रित रहता है। इस पर सूर्य के पराबैंगनी किरणों का भी असर नहीं होता, यह विकिरण को सोख लेता है। इन विभिन्न योजनाओं से पूर्ण गोबर से बनी ईंट को इंडियन पेटेंट की प्रक्रिया के लिए भेजा गया, उसके बाद उत्पादन क्रिया जाएगा। इसके साथ साथ देसी गायों के गोबर से और भी विभिन्न उत्पादों का निर्माण रिसर्च के बाद किया जा रहा है, जिसके विषय में वैज्ञानिक क्रांति शर्मा कामधेनु विश्वविद्यालय पंचगव्य सेंटर अंजोरा ने विस्तार से बताया। बाकी जो जिसमें कि पायरेथ्रॉइड्स वगैरह केमिकल्स मिले होते हैं, जो छोटे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और हम सभी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं, तो बेहतर होगा कि हम कुछ ऐसी चीज़ों का उपयोग करके बनाएं जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल इफेक्ट ना डालें, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा हो। इसके अलावा ये हम लोग एक फेस पैक भी बनाते हैं। फेस पैक में हम लोग मुल्तानी मिट्टी और काउडंग को एकदम बारीक चूरा करके पीस के उसमें मिलाते हैं, साथ में गुलाब और संतरे के छिलके, पील सौंफ वगैरह डाल करके, और हमारी गौठान में काम करने वाली महिलाएं इसको बना सकती हैं और आसपास के केंद्रों में इसको वितरित कर सकती हैं। हाँ, ये गमला भी बहुत आकर्षक का केंद्र है। हम लोग जनरली जो नर्सरी में जाते हैं तो हम लोग पॉलीथीन के एक पैकेट में हम एक प्लांट्स को लेकर के आते हैं, तो अगर हम उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें, क्योंकि गोबर बहुत सस्ता है और हमारे शासन की योजना भी गौठानों और इससे रिलेटेड है, तो अगर हम वहाँ पे वितरित कर दें एक नॉमिनल चार्ज में, 3 रुपये या 2 रुपये में, तो एक जो पॉलीथीन के कारण जो प्रदूषण जो फैल रहा है, लैंड पॉल्यूशन जो फैल रहा है, उससे भी बचाव होगा और साथ ही साथ पौधे को खाद भी मिलेगा। इसी के गमले में ही हम पौधे को लगा के उसी को हमको रोपना है गमले सहित, तो उससे ये होगा कि उसको खाद मिलती रहेगी। 2-3 महीने के बाद ये गमला गलना चालू होता है, तो इस तरीके से हम अपने वातावरण को गमले के प्रयोग से साफ और शुद्ध रख सकते हैं। हमारा देसी गोवंश जो कि बहुत पहले से जिसको पूजा जाता था, अभी आने वाले समय में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए हमने क्रॉस करवाए, बाहर से हम विदेशी गायों को लेकर के आए। अब हमें दूध तो मिल रहा है, लेकिन दूध के साथ हमें बहुत सारी बीमारियां भी उनके साथ मिल रही हैं, और साथ ही हमारा गोवंश जो है, देसी गोवंश जो है, वो नेग्लेक्टेड हो रहा है, क्योंकि वो जनरली 1.5-2 लीटर से ज़्यादा दूध देती नहीं है, तो किसान उसको रुचिता से नहीं पाल रहे हैं। तो अगर हम ये काउडंग और काउ यूरिन से ये उत्पाद भी बनाएं और उसके दूध का भी उपयोग करें, तो उनके महत्व को अभी हमारे किसान भाई बहन पहचान रहे हैं और उनका रुझान इस तरफ बढ़ रहा है, और हमारे शासन की भी जो योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये भी इसमें मदद कर रही है हमारे देशी गोवंश को बढ़ाने में, तो इस तरीके से ये एक समुचित प्रयास है और ये सब मिलके करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देसी गोवंश जो है वो फिर से हमारे आसपास हमें देसी गाय की डेयरियाँ देखने को मिलेंगी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वैभव कुमार चंद्राकर की रिपोर्ट।